हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीसीबी वर्सेस ट्रिक्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, अब नीट एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है, तो ये टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेज, आपके पास एक स्टेयर लाइक कैपेसिटर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक फ्लैट कैपेसिटर प्लेट है एंड तीन स्टेयर लाइक कैपेसिटर प्लेट्स अरेंज्ड हैं। आपको इसमें इस असेंबली की कैपेसिटेंस निकालनी है। गाइज, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन डाल दूँ तो ये हमारा फर्स्ट कैपेसिटर बन जाएगा, एंड अगर मैं यहाँ पर एक लाइन डाल दूँ तो ये हमारा सेकेंड कैपेसिटर एंड ये हमारा थर्ड कैपेसिटर बन जाएगा। ये अरेंजमेंट मैंने यहाँ दिखाया भी है। आप देख सकते हैं कि ये तीनों कैपेसिटर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्शन में अरेंज हैं, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव प्लेट है तो ये तीनों पॉजिटिव प्लेट्स होंगी, एंड जब भी किसी रेजिस्टर के या कैपेसिटर के सेम टर्मिनल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो वो पैरेलल कनेक्शन होता है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आप यहाँ देख सकते हैं कि नीचे वाली प्लेट की लेंथ 3a है, एंड जो ऊपर वाली प्लेट है इनकी लेंथ a है। दैट मीन्स ये 3a जो प्लेट है ये तीनों कैपेसिटर्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि नीचे वाली फ्लैट प्लेट का एरिया a है, और अगर ये प्लेट इक्वली तीनों कैपेसिटर्स में डिवाइडेड है, दैट मीन्स इसका एरिया पर कैपेसिटर ए बाय थ्री होगा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। दैट्स वाई जो फर्स्ट कैपेसिटर होगा उसकी कैपेसिटेंस होगी उसका एरिया एप्सिलॉन नॉट बाय डी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका एरिया है ए बाय थ्री। सेकेंड जो कैपेसिटर है उसमें आप देख सकते हैं कि दो प्लेट्स के बीच का एरिया है बी प्लस डी। दैट्स वाई हमने यहाँ नीचे बी प्लस डी लिखा है। सी थ्री में आप देख सकते हैं दो प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा बी प्लस बी एंड प्लस डी, तो हमने यहाँ पे टू बी प्लस डी लिखा है। ये एक पैरेलल कनेक्शन है तो इसका फॉर्मूला होगा सी इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, एंड हमने यहाँ पे तीनों कैपेसिटेंसेस को प्लस कर दिया है। एंड ये आपको एक बस नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है, नॉर्मल कैलकुलेशन के बाद आप इस आंसर पर पहुंच जाएंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज, ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में डाला है। यहाँ पे आपको 4 ओम के 6 रेजिस्टर्स कुछ इस तरह से अरेंज दिखाए गए हैं। मैं इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करूंगा तो मैं इन रेजिस्टर्स को आर ही मान के चलूंगा, क्योंकि आर की वैल्यू एग्जाम में कुछ भी दी जा सकती है। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस वैल्यू को पुट कर लेंगे। गाइज, इस क्वेश्चन को करने का जो मेरा तरीका है वो है कि आपको इन तीन कैपेसिटर्स में से किसी एक कैपेसिटर को नेगलेक्ट करना होगा। सपोज मैं नेगलेक्ट करता हूँ इस कैपेसिटर को, तो इस कैपेसिटर को नेगलेक्ट करने के बाद ये जो पॉइंट है आप इसे इधर ले जाइए। दैट मीन्स आपको इस पॉइंट को इधर लेके जाना है। तो ये जो दो रेजिस्टर्स यहाँ पर दिख रहे हैं वो भी कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएंगे, लाइक दिस। एंड यू कैन सी ये एक वीट स्टोन ब्रिज बन चुका है जो कि पूरी तरीके से बैलेंस्ड है, क्योंकि इसके सारे रजिस्टर्स आर हैं। देयरफॉर अब आई थिंक आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया है। आपको यहाँ पे सबसे पहले कोई भी एक रजिस्टर निकालना है ए बी सी बी एंड डी बी में से। देन आप देख सकते हैं कि ये एक बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज होगा। देन आपको ए बी एंड बी डी रजिस्टर सीरीज में दिखेंगे। ए बी और बी डी रजिस्टर ये रहे। आप रजिस्टर की सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला लगा के इसकी रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ पे आर एस शो किया है जो कि होगी 2R। देन आप देख सकते हैं ए डी एंड आर एस, दिस इज ए डी रेजिस्टर एंड इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो होगी आर एस। ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में हैं। देन आप इसमें पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला लगा के आर पी निकाल सकते हैं जो कि यहाँ पे आएगी 2R/3। नाउ आप देख सकते हैं आर पी जो इन तीन रेजिस्टर्स की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई है वो इस रेजिस्टर एंड इस रेजिस्टर के साथ सीरीज कनेक्शन में होगी। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला लगा के ये आंसर निकाला है, एंड द आंसर इज 8R/3 ओम। एंड सपोज गाइज, अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है तो आप क्या करेंगे? मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, आपको इस जंक्शन को ब्रेक करना है। आप इन दोनों आर्म्स को कनेक्ट कर देंगे एंड यू कैन सी कि ये दो रेजिस्टर्स सीरीज कनेक्शन में हैं। देन आप इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे एंड ये रेजिस्टर इन रेजिस्टर्स के साथ पैरेलल कनेक्शन में होगा।
देन आप इन तीनों की एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। देन आप देख सकते हैं कि ये दो रेजिस्टर्स सीरीज कनेक्शन में हैं, तो आप इस आर्म की भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। इन तीनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड इस आर्म की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल कनेक्शन में होंगी। देन ये रजिस्टर एंड ये पार्ट, ये तीनों सीरीज कनेक्शन में होंगे। एंड यू कैन सी ये दो रजिस्टर्स सीरीज कनेक्शन में हैं, एंड ये जो आर्म है वो इस पूरे पार्ट के साथ पैरेलल कनेक्शन में होगी। तो आप कुछ इस तरीके से इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। आपको कुछ इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में दिया जा सकता है। यहाँ पे आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको इन तीन रेजिस्टर्स में से किसी एक रेजिस्टर को हटा देना है, नेगलेक्ट कर देना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। गाइज, मैं आपको यहाँ कुछ और अरेंजमेंट्स दिखा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पर किसी भी दो रेजिस्टर्स को, या आप इन दो रेजिस्टर्स को नेगलेक्ट कर दीजिए, या ये थर्ड एंड फोर्थ रेजिस्टर को नेगलेक्ट कर दीजिए। आपको इन दो पेयर्स में से किन्हीं भी दो रेजिस्टर्स को नेगलेक्ट करना है। इन्हें हटाते ही आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ऑलरेडी नीट एग्जाम में आ चुका है। एंड द क्वेश्चन इज कि वाटर सरफेस से हमें एच हाइट की डेप्थ पे एक कॉइन दिया हुआ है, एंड इस कॉइन से लाइट रेज ऊपर की तरफ जा रही हैं एंड इस सरफेस पर रिफ्रैक्ट हो रही हैं। बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगी कि ये होगा क्रिटिकल एंगल का, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ से रे कुछ इस तरह से जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कुछ इस तरह से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। बट जब ये रे क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट होगी तो आप देख सकते हैं कि वो नॉर्मल से 90 डिग्री बना लेगी एंड इस सरफेस के बिल्कुल पैरेलल ही रिफ्रैक्ट हो जाएगी। एंड जैसे ही इसका इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, वैसे ही इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब मैं एक ट्राइंगल लूँगा जो कुछ इस तरह से दिखेगा। दिस इज एच, दिस इज ए B and this is S and this angle is critical angle. Basically मैंने ये वाला triangle लिया है। Now you can see अगर ये critical angle है तो ये भी critical angle होगा, because these two are alternate interior angles. And यहाँ पे mu of glass will be equal to sin R by sin C. You can see this is the incidence angle जो C के बराबर है, and this is the रिफ्रैक्टेड एंगल जो 90 डिग्री है। और अगर आपको ये नहीं पता कि मैंने R ऊपर क्यों लिया है और C नीचे क्यों लिया है, तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे होते हैं तो उस मीडियम में जो एंगल होता है उसका साइन हमेशा नीचे आता है। तो यू कैन सी साइन R इज 90 डिग्री एंड साइन C इसके डिनोमिनेटर में आएगा। सो म्यू इज 1 बाय साइन C, and that means sin C will be equal to 1 by mu. And as you know, sin C is also equal to perpendicular by hypotenuse. तो जैसा कि आप ट्रिग्नोमेट्री में कई बार कर लेते हैं, आप perpendicular को 1 मानेंगे and hypotenuse को mu मान लेंगे, जैसा कि मैंने इस फिगर में दिखाया है। hypotenuse is mu, perpendicular is 1, and That's why आपका बेस आ जाएगा अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। एंड अब एस ए बी ट्राइंगल में मैं टैन सी का फॉर्मूला लगाऊंगा। आर बाई एच इज इक्वल टू टैन सी, एच उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो आर इक्वल टू एच टैन सी, एंड जो टैन सी है वो होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, एंड परपेंडिकुलर यू कैन सी इज 1 एंड बेस इज अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। दैट्स वाई दिस इज एच अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। एंड यू कैन सी आर इज 3 सेंटीमीटर एंड एच इज 4 सेंटीमीटर। ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन होगा, मैंने यहाँ पे ऐसे ही एग्जांपल ले लिया है। यहाँ पे मैंने इसमें ये वैल्यूज पुट कर दी हैं, तो म्यू स्क्वायर आ जाएगा 25 बाय 9 एंड म्यू आ जाएगा 5 बाय 3। एंड यू कैन सी म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन air divided by speed of light in glass. So V is equal to C by mu. C की value होती है 3 into 10 की power 8. This is divided by 5 by 3 जो हमने यहाँ पे निकाला है। तो इस तरह से आपकी
स्पीड ऑफ लाइट भी आ जाएगी ग्लास मीडियम में। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक भी क्वेश्चन दिया जा सकता है और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालने को भी बोला जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि आपको दो कैपेसिटेंस सीरीज कनेक्शन में ज्वाइंट दिए गए हैं एंड क्वेश्चन कहता है कि अगर इन दोनों को ज्वाइन करके मैं एक सिंगल कैपेसिटर बना दूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा के, तो आपको यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी होगी। इन दोनों कैपेसिटर्स की थिकनेस D1 एंड D2 दी गई है, इनके डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स K1 एंड K2 दिए गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है KA ε0 / D, और ये फॉर्मूला सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब डायलैक्ट्रिक स्लैब किसी कैपेसिटर के बीच फिल किया जाता है एंड जो डायलैक्ट्रिक स्लैब होता है उसकी थिकनेस कैपेसिटर के बीच के स्पेस जितनी ही होती है एंड आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यू कैन सी क्वेश्चन खुद कह रहा है कि ये अरेंजमेंट सीरीज कनेक्शन में है, क्योंकि अगर ये प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है एंड ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो आप देख सकते हैं कि ये एक सेपरेट कैपेसिटर है। सो अगर ये प्लेट पॉजिटिव है तो ये प्लेट नेगेटिव होगी एंड ये प्लेट अगर नेगेटिव है तो इसके ऑपोजिट वाली प्लेट पॉजिटिव होगी। एंड जब भी दो रेजिस्टर्स या दो कैपेसिटर्स के ऑपोजिट टर्मिनल्स कनेक्टेड होते हैं तो उस कनेक्शन को पैरेलल कनेक्शन बोला जाता है, और यहाँ पे मैंने पैरेलल कैपेसिटेंस कनेक्शन का फॉर्मूला लगाया है तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 C2 / C1 + C2। आपको बस C1 एंड C2 की वैल्यूज पुट करनी है। C1 की वैल्यू होगी K1 ε0 / A/D1। K1 फर्स्ट कैपेसिटर का डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, D1 फर्स्ट कैपेसिटर के बीच जो डायलैक्ट्रिक स्लैब डाला गया है उसका थिकनेस है एंड एरिया होगा इन दोनों प्लेट्स का एरिया, जो कि तीनों कैपेसिटर्स में C1, C2 और जो हमारा फाइनल कैपेसिटर होगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद जो बनेगा उसमें जो प्लेट्स का एरिया होगा वो भी A ही होगा। तो एरिया में कहीं भी कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज इस क्वेश्चन में सिर्फ K और D में ही देखने को मिलेगा एंड C2 में भी आप K की जगह K2 डाल देंगे एंड D की जगह D2 डाल देंगे। आपको ये वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करनी है, देन C इक्विवेलेंट आपका कुछ इतना आ जाएगा। एंड अगर मैं फाइनल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस लिखूं तो वो होगी K ε0 / A/D-। D- होगा D1 + D2, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा फाइनल कैपेसिटर होगा उसमें जो डायलैक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस होगी वो होगी D1 + D2। सो आप देख सकते हैं कि जो C है वो K ε0 / A/D1 + D2 के बराबर है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को मैं इक्वेट कर दूंगा, देन मेरा आंसर आ जाएगा ये। अब आते हैं एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे। हमें यहाँ कहा जा रहा है कि एक लेंस दो डिफरेंट मटेरियल से बनाया गया है एंड एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसे हमने एक्सिस पे रखा है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितनी इमेजेस बनेंगी। गाइस ऑब्वियसली अगर दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं तो दो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस होंगे एंड दो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की दो अलग अलग फोकल लेंथ होंगी, देयरफॉर दो अलग अलग पॉइंट्स पे हमें इमेजेस देखने को मिलेंगी एंड हेंस हमें दो इमेजेस देखने को मिलेंगी। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने डायग्राम से भी शो करी है। इस डायग्राम में टोटल 5 रिफ्रैक्टिव इंडिसेस दिए गए हैं एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 इमेजेस बन रही हैं, क्योंकि हर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से दो रेज एक पॉइंट पर जाकर मिलती हैं एंड वो एक इमेज बना लेती हैं। इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडिसेस दिए जा सकते हैं, तो आपको बस इतना याद रखना है कि जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडिसेस होंगे उतनी ही इमेजेस बनेंगी। ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें बेसिकली आपका एक कंसेप्ट अप्लाई होगा और ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। यू कैन सी अगर मैं इस टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल मान लूँ एंड इसे मैं नेगेटिव टर्मिनल मान लूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये दो प्लेट्स पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हैं एंड ये दो प्लेट्स नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हैं। देयरफॉर फर्स्ट प्लेट विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड सेकेंड प्लेट विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड, थर्ड प्लेट इज पॉजिटिव एंड फोर्थ इज नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड प्लेट के दोनों तरफ नेगेटिव होगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो दो कैपेसिटर्स हैं इनके नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं, दैट मींस ये पैरेलल कनेक्शन में है एंड सिमिलरली जो थर्ड प्लेट है वो दोनों तरफ से पॉजिटिवली चार्ज होगी एंड हेंस इन दो कैपेसिटर्स के पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं, तो ये भी पैरेलल कनेक्शन में होंगे। तो ये सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा। This is A and this is B.
तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है आपको कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन दिया जा सके जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्लेट्स हों, और बेसिकली ऐसा आपको डराने के लिए किया जाता है, तो आपको डरना नहीं है, बस अपने कंसेप्ट पर बने रहना है और ठंडे दिमाग से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इफ़ दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव, तो फर्स्ट प्लेट इज़ पॉजिटिव, थर्ड प्लेट इज़ पॉजिटिव एंड फिफ्थ प्लेट इज़ पॉजिटिव, सिक्स्थ, फोर्थ एंड सेकेंड आर नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड प्लेट पे दोनों साइड पे नेगेटिव होगा, तो ये दो कैपेसिटर्स पैरेलल कनेक्शन में होंगे। थर्ड प्लेट दोनों साइड से पॉजिटिव होगी, तो ये दो कैपेसिटर्स पैरेलल कनेक्शन में होंगे। फोर्थ प्लेट भी दोनों तरफ से नेगेटिव होगी, तो ये दो कैपेसिटर्स भी पैरेलल कनेक्शन में होंगे। फिफ्थ प्लेट दोनों तरफ से पॉजिटिव होगी, दैट्स वाई ये दो कैपेसिटर्स भी पैरेलल कनेक्शन में होंगे। तो इसमें आपको पांच कैपेसिटर्स दिए गए हैं जो कि पैरेलल कनेक्शन में होंगे। गाइज, अब आता है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसमें मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा, एंड इस एक चीज़ को याद रख के आप सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन को हर सर्किट में, चाहे आपको कितना भी मुश्किल सर्किट दिया जाए, आप हर सर्किट में ईजिली पहचान सकते हैं, और आपके लिए सर्किट क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेंगे। अब यू कैन सी दिस पॉइंट इज ए, एंड इन दो पॉइंट्स के बीच कोई भी कैपेसिटर या रेजिस्टर नहीं लगाया गया, तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो ए, क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। यू कैन सी कि इस आर्म में भी कोई भी कैपेसिटर या रेजिस्टर नहीं लगाया गया, तो इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल भी सेम होंगे, एंड ये पॉइंट भी ए होगा। गाइज, बेसिकली जब भी दो पॉइंट्स के बीच कोई कैपेसिटर या रेजिस्टर लगाया जाता है, तो उन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल अलग हो जाते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। लेकिन जब किसी आर्म में कोई भी कैपेसिटर या रेजिस्टर नहीं होता, तो वो दोनों पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे होते हैं, तो इसीलिए मैं इन दोनों को सेम नाम दे सकता हूँ। अब इसकी बात करते हैं, इस आर्म में कोई भी कैपेसिटर या रेजिस्टर नहीं है, तो ये पॉइंट भी होगा बी, एंड इस आर्म में भी कोई भी कैपेसिटर रेजिस्टर नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो बी। अब आप देख सकते हैं कि सी वन ए एंड बी पॉइंट्स के बीच है, ये दो कैपेसिटर्स बी एंड ए के बीच हैं, एंड ये कैपेसिटर भी ए बी के बीच में है, तो ये सर्किट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये है हमारा सी वन एंड दिस इज 6 माइक्रो फैराडे कैपेसिटर, दिस इज सी टू एंड दिस इज 5 माइक्रो फैराडे कैपेसिटर। तो ये काफी मुश्किल दिखने वाला सर्किट कुछ इस तरह से दिखता है रीअरेंजमेंट के बाद। तो बस आपको एक बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि जब भी किसी आर्म में कोई भी रेजिस्टर या कैपेसिटर नहीं लगाया जाता, तब उसका पोटेंशियल सेम रहता है, तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को सेम नाम दे सकता हूँ। एंड फाइनली आपको देखना है कि ये जो कैपेसिटर्स हैं, ये किन पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड हैं। इन पॉइंट्स को देख के आपको सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन का पता चल जाएगा। ये सेम तरीका आप कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों के लिए अप्लाई करेंगे। मैंने आपको यहाँ पूरा सॉल्यूशन दिखाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड क्रॉस चेक कर सकते हैं। गाइज, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। दो पोलराइड्स हैं हमारे पास ए एंड बी, जो क्रॉस पोजीशन में रखे हैं। क्रॉस पोजीशन का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल पे रखे हैं। हाउ शुड अ थर्ड पोलराइड सी बी प्लेस बिटवीन देम, मुझे बोला गया है कि मुझे ए एंड बी के बीच थर्ड पोलराइड को प्लेस करना है, और इस सी पोलेरॉइड को मुझे कुछ इस तरह से प्लेस करना है कि बी पोलेरॉइड से जो लाइट ट्रांसमिट हो रही होगी, उसकी इंटेंसिटी 1/8 होगी अनपोलराइज लाइट के जो ए पोलेरॉइड पर इंसिडेंट होगी। बेसिकली ये केस होगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे तीन पोलेरॉइड्स हैं ए एंड बी, जो कि बिल्कुल ही क्रॉस पोजीशन में है। 2D में मैं इसे ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखा सकता, तो आपको थोड़ा समझना होगा। ए और सी के बीच मैंने एंगल को लेट कर लिया है थीटा, सो सी एंड बी के बीच जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। सपोज ए से जो लाइट आगे ट्रांसमिट हो रही है वो है आई नॉट इंटेंसिटी की, एंड सी से जो लाइट ट्रांसमिट होगी वो होगी आई वन इंटेंसिटी की, और बी से जो लाइट ट्रांसमिट होगी वो होगी आई टू इंटेंसिटी की। तो आई वन होगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, एंड आई टू होगा आई वन कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू होगी आई वन साइन स्क्वायर थीटा, एंड आई वन की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, एंड आई टू होगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा।
नाउ अगर मैं अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी को आई मान लेता हूँ, तो यू नो कि आई नॉट विल बी इक्वल टू आई बाय टू। दैट मीन्स जब भी फर्स्ट पोलराइड से लाइट पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। एंड मुझे ये गिवन है कि आई टू इज इक्वल टू आई बाय एट। दैट मीन्स इन दो रिलेशन को अगर मैं कंबाइन करूँ तो इसका मतलब होगा आई टू इज इक्वल टू आई नॉट बाय फोर। इसीलिए यहाँ पे 2 I not by 8 लिखा गया है। 2 से अगर मैं 8 को कट करूँ तो दिस इज 4 I not by 4। एंड ये 4 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड I not से I not कट जाएगा, तो रिलेशन आएगा 4 cos square theta sin square theta will be equal to 1। इस वैल्यू को मैं कुछ इस तरह से 2 sin theta cos theta का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ एंड दिस विल इक्वल टू 1। इसका फॉर्मूला आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 एंड हेंस साइन 2 थीटा विल बी इक्वल टू 1 एंड 1 आपको पता है साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है, सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय 2, सो थीटा इज 45 डिग्री। गाइस, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए जल्दी से बिना सोचे समझे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं लेके आने वाला हूँ ऐसी ही बहुत सारी अमेजिंग वीडियोज़। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।